दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म बेंजो। तो पहले मैं आपको रॉक ऑन की कहानी बताता हूं। कहानी ये थी कि 3-4 दोस्त थे, वो ऐसे ही लुक्खे थे, एक बैंड बनाते हैं और बैंड बनाने के बाद सुपरहिट हो जाते हैं। फिर आपस में झगड़ा होता है, अलग अलग होते हैं और क्लाइमैक्स में फिर साथ में आ जाते हैं। बस यही कहानी बेंजो की है। यहाँ डायरेक्टर ने इन 3-4 लड़कों को बॉम्बे की झुग्गियों में दिखाया है। स्क्रीन प्ले बहुत ही बिखरा हुआ है, बहुत ही खराब है। वो सब लोग बहुत ही बड़े हिम्मत वाले होंगे जो फर्स्ट हाफ देखने के बाद सेकंड हाफ के लिए थिएटर में वापस आएंगे। डायलॉग्स ठीक ठाक हैं, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब हैं। म्यूजिक बहुत ही खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। हो सकता है कि मराठी फिल्म देखने वालों के लिए ये म्यूज़िक बहुत अच्छा हो, बट हिंदी ऑडियंस के लिए ये म्यूज़िक बहुत ही खराब है। एक्शन फिल्म में कुछ है नहीं, तो यानी जो मास ऑडियंस है उनके लिए फिल्म में कुछ नहीं है। लोकेशंस झुग्गी झोपड़ियां हैं और इतने गंदे गंदे लोकेशन हैं कि आपको फर्स्ट हाफ में तो उल्टियां आने लगेगी। खैर सेकंड हाफ में लोकेशन कुछ ठीक ठाक है। एक्टिंग रितेश ने बहुत बढ़िया की है, अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, बट नरगिस फकरी अपने रोल को यहां भी सही से नहीं निभा पाई। उसको एक्टिंग का ABCD कहीं दूर दूर तक आता नहीं है। बाकी के सब लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको कोई नहीं पहचानता और उन्होंने अपने रोल्स को ठीक ठाक निभाया है, बट यही फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिल्म का बजट 20 करोड़ था, उसके बावजूद भी अगर सिर्फ फिल्म में एक रितेश है और बाकी सब नए हैं तो ये 20 करोड़ कहां खर्च हुए होंगे, ये सिर्फ डायरेक्टर साहब बता सकते हैं। डायरेक्शन बहुत ही खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। हो सकता है रवि जाधव साहब मराठी फिल्मों के बहुत बढ़िया डायरेक्टर हों, बट उन्हें हिंदी ऑडियंस के बारे में कोई अता पता नहीं है। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि हिंदी ऑडियंस क्या फिल्म देखना पसंद करेगी। तो उन्होंने शायद एक ऐसी फिल्म ज़रूर बनाई होगी जो मराठी फिल्म देखने वालों को अच्छी लगे, बट हिंदी ऑडियंस से इसका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है और हिंदी ऑडियंस इसको टोटली रिजेक्ट कर देगी। चलो अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बना। रवि जाधव ने पहले रितेश की एक मराठी फिल्म बनाई थी जो हिट हुई थी, तो रितेश को पूरा यकीन था कि रवि जाधव अगर हिंदी फिल्म भी बनाएंगे तो ज़बरदस्त बनाएंगे। ये कहानी रवि जाधव ने रितेश को सुनाई, रितेश ने ओके की और ये प्रोजेक्ट इरोस के पास चला गया। इरोस ना नुकुर करता रहा काफ़ी दिनों तक। जब रितेश और मैं एक विलन की शूट कर रहे थे उस वक्त ये प्रोजेक्ट उस स्टेज पे था कि एक विलन की शूटिंग खत्म करने के बाद रितेश को ये फिल्म शूट करनी थी, बट फिर भी इरोस वालों ने इस फिल्म को हरी झंडी नहीं दिखाई और हरी झंडी दिखाते दिखाते बहुत वक्त लगा दिया। तो खैर ये फिल्म इस तरह से बनी। अगर ये फिल्म ना बनती तो शायद इरोस का भी नुकसान होने से बच जाता और रितेश का जो कैरियर वाइज नुकसान हुआ है वो भी बच जाता और शायद पब्लिक भी इस टॉर्चर से बच जाती। इस फिल्म में एंटरटेनमेंट नहीं है, इस फिल्म में इमोशन नहीं है, इस फिल्म में एक्शन नहीं है और इस फिल्म में मैं ये कहूँगा कि कुछ भी नहीं है। तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 0.5। अब भी अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो जाइए एंड एन्जॉय द फिल्म।